हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन जोग्राफी ऑप्शनल क्लासेस हम लोग देख रहे हैं ओशनोग्राफी और इसमें ओशनोग्राफी में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कुछ कुछ जो भी जीएस के सेक्शंस थे उसको देख रखा था एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड और हम लोग देखेंगे ओशनोग्राफी में जो कुछ इंपॉर्टेंट और टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस के पार्ट हैं एंड दैट वॉज नॉट कवर्ड इन द अर्यर लेक्चर फटाफट शुरू करते हैं लेटस स्टार्ट लेटस कम्प्लीट लटस क्रैक

या तो आप ईमेल करिए रिकोग्नीशन आई एस एट जी मेल डॉट कॉम पर या फिर आप रिकोगनीशन आई एस डॉट इन वेबसाइट को विजिट करिए वहाँ पर आपको कोर्सेज के बारे में पता चलेगा फटाफट शुरू करते हैं हम लोग सबसे सब पहले सिलेबस देख लेते हैं एंड द सिलेबस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर आर फ्यू टॉपिक्स जिसको कि हम लोग देख लिए हैं जैसे कि बॉटम टोपोग्राफी के बारे में जहाँ पर कॉन्टिनेंटल स्लोप शेल्फ एंड ऑल दैट जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख रखा है बाकी टेम्परेचर एंड सेलेंटी कर्व के बारे में हम लोगों ने देख रखा है हीट बजट एंड सॉल्ट बजट इसके बारे में हमें देखना है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टुडेज लेक्चर बाकी वेव्स करंट टाइट्स ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में ऑलरेडी देख रखे हैं माइन आ, मरीन रिसोर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कोरल रीफ कोरल ब्लीचिंग के बारे में देख रखा है लेकिन वी विल एड ऑन सम द थ्योरीज़ रिलेटेड विद दिस कोरल तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी सी लेवल चेंज एंड लॉज ऑफ़ सी इसके बारे में भी हम लोग फटाफट बात कर लेंगे हालाँकि दिस टॉपिक इज़ वेरी मच डायनेमिक एंड इसको करंट अफेयर्स के साथ में हमेशा आपको देखना पड़ेगा शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओशियन डिपॉजिट्स के बारे में तो ओशन डिपॉजिट से आपको एक चीज़ समझ में आ जाती होगी कि ओशियन में जितने भी डिपॉजिट्स हैं जितने भी एक तरीके से सेडिमेंट्स हैं उस सेडिमेंट में जितने भी वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ डिपॉजिट्स ये दो तरीके के होते हैं एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पिलाजिक डिपॉज़िट्स जिस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आ चुका है आई गेस 2017 या 18 में दूसरे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नैरेटिक डिपॉज़िट्स जो नैरेटिक डिपॉजिट्स होते हैं वो जो लिटोरल एरियाज होते हैं कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ उनको बुलाया जाता है बाकी जो प्लाजिक डिपॉजिट्स होते हैं वो डीप ओशियन के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको बोला जाता है तो ओशियन फ्लोर के बारे में ऑलरेडी हैरी हेस ने बता रखा है कि दिस इज़ नॉट फ्लैट फीचरलेस सरफेस बल्कि इसमें फीचर्स होते हैं इसमें भी अपने लैंड फॉर्म्स होते हैं और यहाँ पर भी डिपॉजिट्स पाए जाते हैं सो इट इज़ नॉट बैरन इट इज़ अ शॉर्न ऑफ डिपॉजिट इट हैज़ एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स सोर्स फ्रॉम लैंड या फिर वाटर अब लैंड से देखिए कैसे आएगा लैंड से आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूसली जो ओशियन के वाटर है ओशियन वाटर कंटिन्यूसली इरोज़न करती है और इस इरोजन के बेसिस पर जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं वो ओशियन में आ जाते हैं दूसरी चोरी होती है वाटर अब वाटर रिवर के फॉर्मेट में या फिर एस्चरी के फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में जब ओशन में मिलती है तो सीधी सी बात है ये वाटर भी अपने साथ में डिपॉजिट्स कैरी करके लेकर के आती है और ये डिपॉजिट्स अल्टीमेटली ओशन में जा करके डिपॉजिट बन जाते हैं और ओशन डिपॉजिट्स के नाम से जाना जाने लगते हैं डिस डिपॉजिट्स आर अवेलेबल इन मेनी वेज जैसे रिसोर्स जैसे सॉल्ट हो गया अब सॉल्ट में जैसे आपको पता है कि देयर इज लॉट मोर मिनरल इन द ओशन और यहाँ पर सॉल्ट भी होते हैं जैसे एन एस सी एल एम जी सी एल सी एस सी एल टू तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट होते हैं और इसी सॉल्ट के बेसिस पे सॉल्ट पैन भी बनता है और हम लोग अपना जो टाटा नमक और जितने भी तरीके के नमक होते हैं वो भी बनाते हैं इसके अलावा देखिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं ये पॉलीमेटिक मेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं ये लोग ये अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे बाकी इसके अलावा डिपॉजिट्स पर्टिकुलरली जैसे ग्लेशियल रेलिक्स के बारे में जिसके बारे में थ्योरी दी गई थी डेली के द्वारा एंड द प्रसिपिटेशन आर अदर इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स दीज एविडेंस ऑफ अन रिवेलिंग पास्ट क्लाइमेटिक हिस्ट्री तो जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है जैसे प्लीज टू सी नाइस एज वगैरह की हिस्ट्री वो भी हमें यहाँ से एक आइडिया देती हैं कि हाँ ये सब चीज़ें ये जो क्लाइमेटिक इवेंट्स वगैरह हैं वो हुए होंगे डिपॉजिट को बेसिकली कई तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं दो तरीके से सबसे पहले अगर डिवाइज करें बेस्ड ऑन कि कहाँ पर यह पाया जा रहा है तो एक हो सकती है जहाँ पर डीप ओशियन होगी जिसको हम प्लाजिक डिपॉजिट्स बोलेंगे और दूसरी होगी जो लिटोरियल या कोस्टल एरिया के पास में होगी जिसे हम लोग नरेटिक डिपॉजिट्स बोल सकते हैं एक दूसरी भी क्लासिफिकेशन होती है जहाँ पर बेस्ड ऑन द टेक्स्चर साइज होता है कि भाई ग्रेन कितनी बड़ी साइज की है इसके बेसिस पे यहाँ पर दो तरीके से डिवाइड किया गया है एक है जहाँ पर बिग रॉक्स होते हैं बोल्डर्स होते हैं और दूसरी होती है जो फाइन होती है अब देखिए जो बिग रॉक्स बोल्डर्स हैं यहाँ तो आपके पास जो साइज़ होगी काफ़ी बड़ी बड़ी होगी तो उसके बेसिस पे बोल्डर और पेबल और भी कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है जो फाइन होती है वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं एक होती है जिसे हम लोग फाइन डिपॉज़िट्स कहते हैं और दूसरी होती है जिसे हम लोग मड बोलते हैं तो बेसिकली वन इज़ द मड एंड फाइन डिपॉज़िट या फिर जिसे क्ले बोल सकते हैं जो क्ले होती है उसकी जो डायमीटर होती है यानी कि जो ग्रेन साइज़ होती है वो पॉइंट पॉइंट जीरो थ्री नाइन एम एम के नियर अबाउट पॉइंट जीरो थ्री याद रखिए आप लोग ज़्यादा सही रहेगा बाकी अगर इससे भी छोटी हो जाती है पॉइंट जीरो जीरो वन एम एम से ज़्यादा छोटी हो जाती है तो उसे मड कहा जाता है तो इस तरीके से दो तरीके की डिफरेंस हो जाती है ग्रीन चेक्सचर डिवाइड्स वेयर द डिपॉजिट एक्यूमुलेट इज दैट इज द फाइन विल बी कैरीड बाई वाटर सो कोर्सस टेक्स्चर विल बी एट द नरेटिव फोर्स दिस इज क्वाइट कॉमन थिंग क्योंकि सीधी सी बात है जो अब ये बताइए अगर दो तरीके के हमारे पास डिपॉजिट से मान लेते हैं कोई एक बड़ा बड़ा डिपॉजिट है जिसका मास काफ़ी ज़्यादा है अब मैं यहाँ पर फिज़िक्स के बारे में बात करने वाला हूँ तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड बट स्टिल दोज़ हु आर फ्रॉम द फिज़िक्स बैकग्राउंड और साइंस बैकग्राउंड और दोज हु आर कम्फर्टेबल इन फिज़िक्स उनके लिए काफ़ी आराम से समझ में आ जाएगा अब जैसे मान लेते हैं कि एम होती है मोमेंटम ठीक है अगर मास ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली द वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी वेरी लो अब क्या होगा मान लेते हैं ओशियन किसी भी पत्थर को डिपॉजिट्स को लेकर के जा रहा है तो अब होगा क्या कि यहाँ पर तो कई तरीके के पार्टिकल्स होंगे तो जो भारी भारी होंगे वो पहले सेटल हो जाएंगे क्यों क्योंकि इनका मास ज़्यादा है वेलोसिटी इनको कम होगी बाकी दूसरे जो पतले पतले छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होंगे डिपॉजिट्स होंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेटली सबसे आगे क्या होंगे जो बहुत ही फाइनेस्ट होंगे तो ये क्या हो गया ये मान लेते हैं कि ये, ये टेरि, टेरि, टेरिटोरी है मान लेते हैं कि ये हमारी कोई लैंडवर्ड बाउंड्री है तो यहाँ पर ये क्या हो गया एक तरीके का लिटोरल हो गया या इसे आप बोल सकते हैं नरेटिक ठीक है और वही जब आगे पहुँच गया दिस इज डीप डाउन ओशियन तो यहाँ पर क्या हो गया दिस दिस विल बी कॉल्ड एज पिलाजिक डिपॉजिट्स क्लियर हो गया सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो कैरी कर लिए जाते हैं और जबकि कोर्सर जो होते हैं वो टिक फ्लोर पे ही जो है सेटल हो जाते हैं बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन किया गया और जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो जेनकिंसन के द्वारा किया गया है तो ये जरा नाम याद रखिएगा क्योंकि ये नाम पूछा जा सकता है तो काफ़ी ईजी पार्ट भी है ज़्यादा कुछ खास नहीं है लेकिन यह है कि आपको ध्यान रखना है इस पार्ट के बारे में इनकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें इन्होंने बेसिकली चार तरीके का डिवीज़न बताया था एक टेरिजिनस जो कि टेरिटरी या फिर टेरिस्ट्रियल एरिया से आ रही है जिसे आप लैंड भी बोल सकते हैं दूसरी जो बायोजिनस होते हैं जो कि बेसिकली मरीन लाइफ फॉर्म से आ रहे हैं एंड दीज मरीन लाइफ फॉर्म कैन बी लाइक स्केलेटन बोन कुछ भी हो सकता है जैसे कोरल भी एक तरीके का क्या है मरीन लाइफ फॉर्म है इसके अलावा जो भी मरीन में इकोसिस्टम में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं एस पाए जाते हैं उसके थ्रू भी बायोजिनस डिपॉजिट्स डिपॉजिट होते हैं इसके अलावा हाइड्रोजिनस होती है जिसको हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं जो कि पानी से ही डेवलप होती है पानी के ही डिपॉजिट्स होते हैं और लास्टली होती है कॉस्मोजिनस जो कि कॉस्मिक एरिया से या फिर मीटियोराइड से आते हैं यानी आउटर स्पेस से आ रहे हैं तो ये बेसिकली चार तरीके की क्लासिफिकेशन जिन के द्वारा की गई थी आगे हम लोग अगर बात करें सो नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अगेन डिपॉजिट्स तो डिपॉजिट एक्यूमलेट ऑन द ओशियन फ्लोर बाई टू प्रोसेस दो तरीके से डिपॉजिट होते हैं एक होता है जो एक्यूमुलेशन इन लार्ज अमाउंट ड्यू टू द सडन फ्लो अचानक से फ्लो हुआ और उसके बाद से एक्यूमलेट हो जाती हैं इसमें देखिए डिपॉजिट्स रिलेटेड विद द टोर्बिडिटी करेंट्स होती हैं जो टोर्बिडिटी या मटमैला पानी एक तरीके से कह लीजिए वो लेकर के आते हैं इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बल्क इम्प्लेसमेंट क्लियर दिस इज एक्चुअली आई बल्क इम्प्लेसमेंट ठीक है दूसरी होती है जिसको रिटेल सेडिमेंट बोलते हैं जो धीरे धीरे आती है तो वेरी ग्रेजुअल वेरी स्लो एक्यूमुलेशन एट सेडिमेंट ग्रेजुअली फॉल थ्रू द ओशियन फ्लोर ओशियन वाटर टू एक्यूमुलेट ऑन द ओशियन फ्लोर दिस प्रोसेस विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली तो नाम से ही आपको पता चल गया है। एक, एक तरफ जो है होलसेल में काम चल रहा है एकदम फटाफट काम चल रहा है दूसरी रिटेल में काम चल रही है यानी धीरे धीरे काम चल रही है आगे बात करें सो वी हैव टेरेजिनस डिपॉजिट्स अब टेरेजिनस डिपॉजिट के बारे में अगर आएंगे तो ऑलरेडी पता है आपको कि ये टेरेस्ल uh, एरिया से आ रही है यानी कि लैंड से आ रही है तो लैंड से अब कैसे आएगी सीधी सी बात है रिवर के द्वारा ग्लेशियर के द्वारा या फिर कोई ना कोई एक वाटर बॉडी होगी वेदर इन द फॉर्मेट ऑफ सॉलिड लिक्विड या किसी भी फॉर्मेट में अगर आ रही है तो वो तोड़ते हुए डिन्यूड करते हुए इोड करते हुए लैंड से चीज़ों को लेकर के आएगी डिपॉजिट्स को सेडिमेंट्स को लेकर के आएगी और अल्टीमेटली डिपॉजिट कर देगी दिस डिपॉजिट विल प्राइमरली कम्प्राइज फेल्सिक मिनरल मोस्ट कॉमन बींग क्वाड्स एंड फील्ड्स बार तो ये चीज़ अगेन आप लोगों ने एन में भी पढ़ा होगा कि फील्ड्स क्वाड्स बार एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डनेस के बेसिस पे दस मिनरल को क्लासीफाई uh, किया गया है सो so यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि इट मेनली कम्प्राइज ऑफ द फेल्सिक मिनरल क्योंकि आयरन की अधिकता होती है डिपॉजिट्स आर ऑफ वेरिंग टेक्स्चर अब अलग अलग टेक्स्चर के हो सकते हैं जैसे मर्ड क्ले सैंड स्टोन मड बोल्डर पेबल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं टेक्स्चर इज ऑलवेज कोर्सर लैंडवर्ड एंड मोर फाइनर टूअर्ड्स सी वर्ड इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया कि जो फाइन होंगे सीडिमेंट वो कैरी करके आगे तक आ जाएंगे जबकि जो बड़े बड़े हैं जिनका मास ज़्यादा है वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे दीज मेनली कॉन्सनट्रेट ऑन नरेटिक फ्लोर बट जो फाइनेस्ट होते हैं वो टर्बिडिटी करंट के साथ में ओशियन प्लेन पर आ जाते हैं सो so ये हुआ हमारी जो टेरिजिनस डिपॉजिट्स के बारे में है अब देखिए हमारे एक साहब आते हैं जिनका नाम है मरे मरे ने अपनी जो ये टेरिजिनस डिपॉजिट्स हैं इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन द कलर ये ध्यान रखिएगा कि ये कलर के बेसिस पे इन्होंने टेरिजिनस डिपॉजिट को ही क्लासीफाई किया है टेरिजिनस डिपॉजिट जनकिंसन के द्वारा क्लासीफाई की गई थी और इनके अंतर्गत जो टेरिजिनस है उसमें भी क्लासिफिकेशन की गई है मरे के द्वारा अब यहाँ पर देखिए बेसिकली तीन कलर हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू रेड का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके की आयरन वाली आयरन ऑक्साइड वाली एक तरीके से आप कह लीजिए कि अधिकता होगी इसकी सेडिमेंटेशंस वगैरह होंगे मेनली ये येलो सी या सी ऑफ जापान या ब्राज़ील कोस्ट यहाँ पर पाई जाती है अब देखिए अभी रिसेंट में क्या है कि लोनार लेक भी रेड हुई थी बट दैट इज़ नॉट रेड मड कीप इन माइंड दैट हैज़ डिफरेंट थिंग दैट हैज़ कोरल एविडेंसेज वहाँ पे बैक्टीरिया पाई गई थी जिसके कारण से वो रेड हुआ था ये अलग चीज़ है यहाँ पर रेड मड है बिकॉज ऑफ द मिनरल मिनरल के कारण से है इनफैक्ट आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जो भी मतलब uh, केमिस्ट्री बैकग्राउंड के होंगे आप लोगों ने देखा होगा टाइट्रेशन कराई जाती थी एलैंथ 12th में आप लोगों ने किया होगा टाइट्रेशन कराई जाती है यहाँ पर क्या होता है कि के और इसको किसी न किसी एक रिएजेंट के साथ मिला करके अल्टीमेटली कलर चेंज कराया जाता है और यहाँ पर फिर अल्टीमेटली पी एच एंड बफर ये सब निकाला जाता था क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर के एम फोर ये जो होता है अपना कलर चेंज करता है और कुछ वायलेट कलर या पिंक कलर इसमें बदल जाता था तो पॉइंट यू हैड टू नोट इट डाउन वही चीज़ यहाँ पर भी है कि आपको आ, कुछ कुछ कंपाउंड दे दिए जाएंगे और उस कंपाउंड का अपना एक कलर होता है और उस कलर के ही बेसिस पे आपको डिसाइड करना होता है वही सारे मिनरल्स एक्चुअल में यहाँ पर भी काम करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जोग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट लेकिन देख सकते हैं कि आप जोग्राफी में कलर जो आ रहे हैं वो मिनरल से आ रहे हैं मिनरल्स एक्चुअल में केमिस्ट्री से आ रही है सो रेड कलर का मतलब हो गया कि आयरन है क्योंकि आयरन में भी जंग लगती है आपको पता है दूसरे होते हैं ब्लू कलर अब जो ब्लू कलर होता है मेनली पोटेशियम का होता है सो के इज़ द पोटेशियम और पोटेशियम का ही जो कंपाउंड होते हैं उसको ब्लू कलर में आता है इनफैक्ट इलेवेंथ इलेवेंथ नहीं ट्वेल्थ में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके एक चैप्टर हुआ करता है केमिस्ट्री में सो so, उसमें आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनते थे जैसे इस तरीके से और अलग अलग बना दिया जाता है इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी हुआ करते थे सो so, ये सब चीज़ें पुरानी हैं कुछ याद होगा तो आपको रिलेट हो जाएगा अदरवाइज दीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन द जोग्राफी इवन इन द आंसर राइटिंग ऑल्सो यू विल नॉट राइट दिस दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि आपको चीजें याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेंगी अदरवाइज अल्टीमेटली तो याद तो करना ही है चलिए खैर सो ब्लू कलर आपको पता चल गया कि पोटेशियम का है एंड दीज आर पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक कोशन एंड मेडिटेरेनियन, बाल्टिक्स यहाँ पर जो चीज़ें पाई जाती हैं ओके सो दिस इज़ सल्फाइड नो दिस इज़ नॉट ब्लू एक्चुअली यहाँ पर ये ग्रीन कलर का ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है सो so यहाँ पे ब्लू कलर ही होता है सल्फाइड्स ऑफ द आयरन के बारे में यहाँ पर आ जाएगी और लास्टली हमारे पास आती है ग्रीन कलर एंड दिस ग्रीन कलर इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ पोटेशियम कंपाउंड्स सो यहाँ पर थोड़ी सी मिसमैच थी वो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पर ग्लूकोनिक वन टाइप ऑफ आयरन ऑक्साइड भी एक पाई जाती है जो ग्रीन कलर की होती है इनफैक्ट सल्फेट्स भी कई सारे ग्रीन कलर के ही होते हैं लेकिन यहाँ पर आयरन के जो सल्फाइड्स हैं वो ब्लू कलर में लिखा जा रहा है ठीक है स्कैटर्ड इन द पार्ट ऑफ अटलांटिक एंड ओशियन पैसिफिक ओशियन ये चीज़ है ध्यान में रखिएगा इसके अलावा कुछ और अलग चीज़ नहीं है फिर हमारी टेरिजिनस के बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है बायोजिनस सो वी हैड सीन टेरिजिनस नाव वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोजिनस नाम से ही पता चल रहा है कि बायोजीनस का मतलब है कि यहाँ पर बायोटिक रिसोर्स होंगे यानी कि जीव जंतुओं के जो स्केलेटन्स हैं या जीव जंतुओं की जो चीज़ें हैं वो निकल करके आएंगी तो ये बेसिकली 55% परसेंट ऑफ द ओशन डिपॉजिट्स हैं एंड दीज आर ऑर्गेनिक इन ओरिजिन एज दे आर सोर्स फ्रॉम मरीन लाइफ फॉर्म्स इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए तो बायोजीनस में हमारे पास ओके सो वी हैव डिस्कस दिस तो बोन एंड अदर अनडिजाल्व पार्ट ऑफ द लार्ज मरीन लाइफ फॉर्म्स ये बायोजीनस के अंतर्गत आते हैं इसमें स्केलेटल पार्ट्स होते हैं जैसे बोन हो गई टीथ हो गई इसके अलावा ये ओशन में स्कैटर्ड फॉर्मेट में रहते हैं बायोजिनस मड कहलाती है ये बायोजिनस क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पर बायोटिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेन इन माइक्रो फॉर्मेट और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से रहते ही हैं इट इज मेड अप ऑफ स्केटन रिमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं टेस्ट इनको टेस्ट बोला जाता है एंड दे कैन ऑल्सो मिक्स विद द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑल्सो तो ये इनऑर्गेनिक के साथ भी मिक्स हो सकते हैं यहाँ पर इन्हें बायोजिनस ऊज भी कहा जाता है ऊज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक तरीके से ये डिपॉजिट्स ही होते हैं जिनको ऊज बोला जाता है तो इन्वायरमेंट के सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऊजेज के बारे में कि ये जहाँ पर दो या दो से अधिक इको मैच हो रहे होते हैं मिक्स हो रहे होते हैं इकोटोन के एरिया में मेनली ऊजेज वगैरह पाए जाते हैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है मड इज ऑल्टो कॉल्ड एज बायोजीनस उज़ एंड इफ द बायोजिनस कंटेंट इज़ मोर देन थर्टी टू फोर्टी परसेंट तो वहाँ पर हम लोग ऊजेस जो है वो ज़्यादा पाएंगे तो ये पूरा का पूरा कंटेंट है रिलेटेड विद द बायोजिनस एलिमेंट्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा एंड uh, इसके अलावा भी देखिए पॉइंट ये है कि द केमिकल रिएक्शन आर मोर अलोंग हाई जियोथर्मल एक्टिविटीज ट्रेंचेज मोर अलोंग वुल्कैनिक इरप्शन ये सब पाया जाता है जो कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण से पाया जाता है अब जैसे देखिए जहाँ पर भी ट्रेंच वगैरह होंगे यानी कि दो प्लेट आपस में टकराई होगी एक नीचे गई होगी एक ऊपर है एंड दिस वाल अल्टीमेटली क्रिएट अ न्यू ट्रेंच अब यहाँ पर क्या होगा वुलकैनिक इरप्शन एंड अल्टीमेटली यह ट्रेंच के पास ही आपको वोल्कैनिक इप्शंस वगैरह ज़्यादा मिल जाएंगे तो दिस इज़ द थिंग जो कि यहाँ पर बताया गया है और जो ट्रेंच होगा ऑब्वियसली वो ओशन फ्लोर के पास में ही होगा सो वन टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेट आर पॉलीमेटेलिक मेटेलिक नोड्यूल्स जो कि पॉलीमेटेलिक का मतलब क्या होता है मल्टीपल मेटेलिक्स और नोड्यूल्स का मतलब होता है रीमेंस तो ये कई सारे मेटल्स के रीमेंस होते हैं जो कि ओशन के बॉटम पे या ओशन डीप ओशन में पाए जाते हैं and they are precipitates that accumulate as stone and lumps of pure metal and metal oxides। तो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कुछ नहीं है मेटल और मेटल के ऑक्साइड्स हैं इसमें गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम कई तरीके के एलिमेंट्स आ सकते हैं जो कि काफ़ी प्रीशियस होते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं आगे अगर बात किया जाए तो मोस्ट कॉमन वनस आर मैग्नीज़, कॉपर मैगनीज कोबाल्ट एंड गोल्ड ये लोग जो होते हैं पॉलीमेटालिक नाड्यूल के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं अब यहाँ पर दो मिजरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू तो द पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। नॉड्यूल्स वन इज द प्रसिपिटेशन प्रोसेस जहां पर यह कहा गया है कि ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट प्रसिपिटेशन हैपन अराउंड द प्रसिपिटेशन न्यूक्ली मच लाइक हाउ पॉल्स आर फॉर्म ड्यू टू सीक्रेशन अराउंड ग्रीन्स ऑफ सैंड और इम्प्योरिटीज इनसाइड ऑयस्टर तो ये कहा गया प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू जहां पर जो पॉल है या जो भी एलिमेंट है उसके चारों ओर में स्केलेटर्स चारों ओर में एक तरीके से चीजें जमा होते जाएंगी और जमा होने के बाद अल्टीमेटली फिर इस तरीके की पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल निकल के आ जाएगी तो दिस इज काइंड ऑफ द प्रेसिपिटेशन थिंग कि जहां पर एक जगह डिपॉजिट्स होते जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन का मतलब केवल बारिश नहीं होता है प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है डिपॉजिशन केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है डिपॉजिट होना सॉलिडिफाई होना वही सॉलिडिफाई यहाँ पर हो करके अल्टीमेटली क्योंकि देखिए वाटर के पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होती है और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू चूँकि ओशियन है तो हर तरफ से है और बहुत ज़्यादा है बिकॉज देर इज अ लॉज ऑफ वाटर मास जिसके कारण से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होगा और वहाँ पर मेटामॉर्फाइज होती रहेंगी चीज़ें और इस मेटामॉर्फाइज होने के थ्रू ये प्रेसिपिटेशन प्रोसेस अल्टीमेटली कैन लीड टू पॉलीमेटेलिक नेड्यूल ऐसा माना जाता है और वहीं दूसरी और जो दूसरा एलिमेंट है वो ये है कि द नोडूल्स लाई ऑन द ओशियन फ्लोर एंड डू नॉट गेट ओवर लैंड बाई प्रिसपिटेट एंड डिपॉजिट दिस मे बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ बैक्टीरियल एक्शन तो ये बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा भी हो सकता है तो ये दो मिजरीज हैं जो कि जोग्राफ़र्स मानते हैं हालांकि इस पर भी अभी रिसर्च ही चल रही है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को लेकर के सबसे पहला जो पॉलीमेटैलिक नोड्यूल वगैरह डिस्कवर किया गया था वो हवाइन आइलैंड के पास में किया गया था जो कि क्लासेस क्लेप्रॉन फ्रैक्चर जोन के पास में पड़ती है पैसिफिक क्वेश्चन में देखा ही होगा आप लोगों ने हवाइन आइलैंड बहुत फेमस आइलैंड हैं ओके सो इसके अलावा देखिए अभी रिसेंट में क्या है कि इंडियन ओशियन में भी ड्रिलिंग करने के लिए इंडिया ने सी बेड अथॉरिटी के साथ मिल के पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंडियन में अपनी एक एक्सपीडिशन वगैरह भेजी हुई हैं सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया इज कोलेबरेटेड विथ सी बड अथॉरिटी एंड इवन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कि पहली बार ऐसा कोलेब्रेशन हुआ है जहाँ पर ये दोनों लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के साथ मिल करके इंडियन ओशियन में जा कर के एक्सपीड करेंगी और चीज़ों को खोजेंगी पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल को निकालेंगी इंडियन ओशियन इज नोन टू हैव अब पॉलीमोटैलिक नोड्यूल और इस यहां पर इंडिया ने जर्मनी के साथ में कोलेबोरेट किया है एज अ पारियर कंट्री फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ दीज पॉलीमेटेलिक नोड्यूल आगे अगर बात किया जाए तो हमारे पास नेक्स्ट आती है कॉस्मोजिनस कॉस्मोजिनस का मतलब यह हो गया कि जो कॉस्मिक एरिया से आ रहे हैं या फिर आप बोल दिए मिट्योराइट वगैरह हो जाते हैं सो दीज आर सोर्स फॉर मिट्योराइट एंड मिटस्ट बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं लेस देन वन परसेंट ऑफ़ द डिपॉजिट एंड ये बिलियंस ऑफ द ईयर में कभी डिपॉजिट हो गए तो हो गए वाली चीज़ होती है क्योंकि सीधी सी बात है दीज आर सोलर फिनोमिनाज और ये सोलर फिनोमिना रोज नहीं होती हैं इट टेक्स टाइम टू हैपन दे आर रिच ऑन कंटेन सर्टेन टाइप ऑफ आयरन कंपाउंड लाइक टिकटाइट्स बोलते हैं इसको ध्यान रखिएगा कि टिकटाइट्स पे एक छोटा शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है अब यहां पर देखिए हम लोग इसे कई सारे पार्ट में क्लासीफाई किए हुए हैं कॉस्मोजिनस को जैसे रेड क्ले या फिर आगे अगर उसी को देखें तो हम लोग अलग अलग कलर में डिवाइड कर सकते हैं मेनली रेड क्ले के वही फेसिस पे इसको डिवाइड किया था बिकॉज जनरली ये रेड इन कलर होते हैं यहां पर अगर बात करें तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं दे आर अमाउंटिंग ऑलमोस्ट अराउंड 30 टू 35 परसेंट ऑफ ओशन डिपॉजिट एंड इज़ अमंग मोस्ट वाइड स्प्रेड डिपोजिट ऑफ द डीप अबाइजल प्लेन तो यहाँ पर यह रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है इट इज़ प्रीडामिनेंटली इन ऑर्गेनिक इनकम्पोजिशन विथ मोर देन एट्टी फाइव परसेंट क्या होती है इसमें एल्यूमिनियम होती है आयरन सल्फेट्स होती हैं आयरन के ऑक्साइड्स होती हैं तो रेड कलर से आपको एक आइडिया लगी गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी दीज आर इंक्लूड दीज इंक्लूड्स फाइनेस्ट ऑफ द टेलीजिनस मच फाइनेस्ट इसलिए क्योंकि काफ़ी ओशियन के डीप में है इसलिए फाइन एलिमेंट ही पहुँच पाएगा टेरिजिनस इसलिए क्योंकि यहीं से तो आपका रेड या जितने भी मिनरल या जितने भी कॉलर्स वगैरह वा वाले क्ले होते हैं वो पहुंचेंगे इट इंक्लूड फ्रॉम द अंडर वाटर इरप्शन बट मोस्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएट आर सोज फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ ओशन बसाल्ट रॉक्स क्लियर रेड क्ले वेन मोस्ट इज स्टिकी बट वेन ड्राई इज बिकम फ्राएबल एंड पाउडरी तो अलग अलग फॉर्मेट में ये बदल जाती हैं सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर ओशन डिपॉजिट वाला जितना भी थ्योरी है जितनी भी चीज़ें हैं अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं एंड द वीडियो विल भी लिटिल लॉन्गर क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें सारा जो ओशनोग्राफी का कंसेप्ट है जो छूटा हुआ है या जितनी भी आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे सो इट विल बी अ सिंगल वीडियो सो दैट यू कैन जस्ट रेफर टू इट और चीज़ों को कम्प्लीट कर लीजिए अब हम लोग स्टार्ट करना है ज़रा कोरल रीफ के बारे में अब देखिए कोरल रीफ के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बट वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट्स ओरिजिन एंड द थ्योरी बिहाइंड इट तो जितने भी क्योंकि अलग अलग थ्योरीज है जैसे डार्विन की थ्योरी है डेली की थ्योरी है गार्डनर की थ्योरी है अगासीज की थ्योरी है सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाई वन की क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और ये कोरल का टॉपिक देखिए थोड़ा सा टफ माना जाता है सो so, थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा सबसे पहले बेसिक्स के बारे में अगर बात करें तो कोरल रीफ्स आर लैंड फॉर्म्स इसमें कोई डाउट नहीं है दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ स्केलेटल रिमेन्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म सच एज कोरल पॉलिप अब ये जो स्केलेटल्स होते हैं दीर आर ऑल्सो कॉल्ड एस कोरलाइट्स विच एक्यूमुलेट इन टू रीफ तो ये कोरल रीफ एक तरीके का अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो कोरल रीफ इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जिसके ऊपर कोरल्स जिसके ऊपर में पॉलिप्स जिसके ऊपर में जू जैनथले ये लोग आते हैं म्यूचुअल रिलेशन में आते हैं अब देखिए इन्वायरमेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यूचुअलिज्म तो ये वही म्यूचुअलिज्म है जहाँ पर दोनों आते हैं एक साथ और दोनों को फ़ायदा होता है दोनों एक दूसरे के जो भी बेसिक चीज़ें होते हैं उसको करते हैं जैसे यहाँ पर क्या होती है कि जो जू जैनथले होता है कलर प्रोवाइड करता है एंड द कोरल पॉलिप्स ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसके बेसिस पे दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल बेनिफिट या फिर म्यूचुअलिज्म तो कोरल्स आर नीदर प्लांट नॉर एनिमल एंड देर सेल स्ट्रक्चर रिजेंबल द एनिमल बिकॉज ऑफ विच दे आर हेट्रोट्रॉफ्स तो ये एक तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं यहाँ पर टू मेकेनिज्म हैं बाई विच कोरल रिक्वायर न्यूट्रिशन वन इज फ्रॉम ओशन वाटर जहाँ से इसके पोर्स वगैरह होते हैं उससे न्यूट्रिशन पाया जाता है दूसरा होता है जूज एंथले के साथ में ये म्यूचुअल रिलेशन में होती है जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया जूज एंथले ये एक ऑटोट्रॉप होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड विच अट्रैक्ट अदर ऑर्गेनिज्म कोरल कैन ट्रैप माइक्रो एर यूजिंग देयर टेंटिकल्स दैट इज बिकॉज जूज एंथले रिक्वायड सनलाइट फॉर फोटो सिंथेसिस एंड कोरल विद देयर डिपेंडेंस ऑन एल्गी टू कैन नॉट सर्विस बियडिक जोन तो इस वजह से इनकी जो डेप्थ होती है वो एक लिमिट तक ही होती है और यही कारण है कि कोरल को सर्वाइव करने के लिए कुछ कुछ ज़रूरत होती है कुछ कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो नियर अबाउट 26 सिक्स टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड में होना चाहिए शेलो वाटर पर पाए जाने चाहिए और यही कारण है कि ये कॉन्टनेंट के पास में पाए जाते हैं कॉन्टरेंट के शेल्फ पर आप बोल सकते हैं कि पाए जाते हैं हल्का सैलाइन वाटर हो सकता है ज्यादा सैलाइन भी नहीं होना चाहिए अदरवाइज ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे तो ये इनके पास कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो इस तरीके से आप लिख सकते हैं क्लियर हो गया क्या चीज़ है सो कोरल सर्वाइव बेस्ट इन वार्म वाटर जैसा कि ऑलरेडी वी हैव सीन एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ द ट्रॉपिकल वाटर क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर काफी ज्यादा चाहिए होता है एंड दे आर फाउंड इन वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर बिकॉज ईस्टर्न वाटर हैव अपवेलिंग ऑफ़ कोल्ड वाटर तो जहाँ जहाँ पर इस तरीके की अपलिंग वगैरह होती है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता है बाकी हर जगह पर पाया जाता है टू कैटेगरी ऑफ द थ्योरीज हैं इसको एक्सप्लेन uh, करते हुए एक थ्योरी जिसे सब्सिडेंस की थ्योरी बोलते हैं जो कि डार्विन के द्वारा दी गई थी और दूसरी थ्योरी है जिसे स्टैंड स्टिल थ्योरी बोलते हैं जिसमें जैसे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जैसे मरे की थ्योरी हो गई अगासीज की थ्योरी हो गई गार्डिनर की थ्योरी हो गई एक थ्योरी और है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल थ्योरी और जिसे डेली ने दिया था डेली की ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इन द प्रेजेंट वर्ल्ड वन बाय वन करके सारी थ्योरीज को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डार्विन की सब्सिडेंस थ्योरी के बारे में पहले इसको हम लोग जरा समझ लेते हैं बिकॉज दिस इज अब जो थ्योरीज आ रही हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं और uh, कई जगहों पर आपको लगेगा कि दिस इज़ इलॉजिकल लेकिन उसके लॉजिक्स भी हैं उसके पीछे भी अपनी जो थ्योरी दी गई है उसके पीछे भी अपने यू कैन से ड्राइविंग फोर्सेस वगैरह हैं सो देखिए डार्विन की थ्योरी ने बोली थी जो चीज़ पहले बोली है उसे बोलने से पहले हम लोग जरा देख लेते हैं कि वाट काइंड ऑफ कोरल रीफ डू वी हैव हमारे पास जो कोरल्स होते हैं वो चार तरीके के होते हैं बेसिकली तीन होती हैं चौथा जो टर्म है वो जस्ट अ की टर्म है एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं बैरियर रीफ तीसरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एटॉल और फिर हम लोग बोलते हैं लास्टली जिसे लगून बोलते हैं क्लियर हो गया क्या चीज़ है अब देखिए इस पर पहले चीजों को जरा देख लेते हैं कि आखिर में डेवलप कैसे हो रहे हैं और उस डेवलपमेंट को ही हम लोग डिस्कस करेंगे होता क्या है जैसे मान लेते हैं कि सपोज वी हैव दिस लैंड मास ये मान लेते हैं लैंड मास है और यहाँ से फिर अल्टीमेटली कॉन्टिनेंटल शेल्फ कॉन्टिनेंटल स्लोप और अल्टीमेटली ये हमारी पूरी की पूरी ओशन फ्लोर हो जाती है अब होता क्या है कि समव वेयर डाउन द लाइन कहीं पर भी कैसे भी डिपॉजिट्स अगर होना शुरू हो जाते हैं मान लेते हैं कि ये हमारी ओशन फ्लोर है ये मान लेते हैं ओशियन है वाटर अब मान लेते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से ये डिपोजिशन होना शुरू हो गया डिपोजिशन होते 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 क्या हुआ कि ये हमारा इतना सरफेस जो है वो एक्सपोज हो गया एंड दीज आर नॉट आईलैंड ये ध्यान रखिएगा दीज आर नॉट आईलैंड दीज आर एक तरीके से डिपॉजिट्स हैं दे आर डिपॉजिट्स इस तरीके से जो सरफेस निकल के आता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ दीज आर फ्रिंजिंग रीफ कैसे बनाइए अब आपको देखने को एक चीज मिल रही होगी लेट मी क्लियर इट अगेन ताकि हम लोग ब्रॉड बहुत बेहतर तरीके से देख सकें सो so, यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास एक इस तरीके का मान लेते हैं कि लैंड मास है ठीक है अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई डिपोजिशन वगैरह हुई और अल्टीमेटली ये वाटर सरफेस के बाहर निकल गया और यहाँ पर भी इसी तरीके से वाटर सरफेस के बाहर निकल गया ये मान लेते हैं वाटर सरफेस के बाहर निकल गया ये हुआ आपका फ्रंट व्यू हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे वो फ्रंट व्यू देखेंगे आज आप लोगों को इंजीनियरिंग भी कराई जाएगी और ये है टॉप व्यू दिस इज़ टॉप व्यू This is the most frustrating subject of uh, engineering that is called as ED, engineering design. अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है जब टॉप से आप देखेंगे आपको क्या दिखेगा ये जो आइलैंड है इसके बारे में दिखेगा सो दिस इज़ लाइक आइसोमॉर्फिक बोलते हैं ना इसको मान लेते हैं कुछ इस तरीके का शेप है तो ये आपको टॉप व्यू दिखेगा फिर आपको क्या दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा पूरा चारों ओर केवल पानी 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 ठीक है हर जगह आपको वाटर वाटर दिखेगा क्योंकि ये सरफेस वॉटर ही है ठीक है अब आपको क्या दिखेगा यहाँ वाले इलाके में यहाँ वाले इलाके में आपको छोटा सा आइलैंड दिखेगा और यहाँ पर भी इसी तरीके से छोटा सा आइलैंड दिखेगा एंड दीज आर नॉट आइलैंड एक्चुअली दीज आर एक्चुअली कोरल रीफ्स और जब इस तरीके से ये हमारा जो लैंड मास है और ये छोटे छोटे कोरल्स वगैरह आ गए हैं इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ दीज आर कॉल्ड एज फ्रिंजिंग रीफ क्लियर हो गया क्या चीज़ है अब देखिए होगा क्या समय के साथ जब आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते 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 क्या होगा कि ये जो लैंड मास है वो बिकॉज ऑफ द इरोज़न ये कटता जाएगा कटने के कारण से क्या होगा कि एक पॉइंट के बाद वॉट विल हैपन कि अब देखिए एक और चीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा वन सेकेंड लेट मी इरेज इट अगेन ताकि एक क्लैरिटी आ जाए अब देखिए यहाँ पर हमारा जो लैंड मास था वो कुछ इस तरीके का था और यहाँ पर चारों ओर पहले शुरुआत से देखते हैं यहाँ पर हमारा वाटर वाटर है ठीक है आर वाटर टॉप व्यू जब आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा एक लैंडमार्स और बाकी चारों ओर जो है वो खाली कुछ नहीं है वाटर वाटर सरफेस है ठीक है अभी तक हम लोगों ने इसको जो लैंडमार्स लिया था दिस वाज लैंड दिस वाज टेरिजिनस एक तरीके से लेकिन अभी क्या है कि इसे हम लोगों ने कोरल बोला है सो दिस इज कोरल अब जब केवल और केवल एकमात्र एरिया एकमात्र लैंड इस तरीके से आपको दिखे तो तब हम लोग उसको बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ फ्रिंजिंग रीफ इसके पहले जो हम लोगों ने फ्रिंजिंग रीफ देखा था वो भी फ्रिंजिंग रीफ बोल सकते हैं लेकिन वो सिंगल सिंगल जैसे हम लोगों ने जो यहाँ पर एक छोटा एक छोटा बनाया था ना तो ये एक सिंगल फ्रिंजिंग रीफ हो सकता है ठीक है क्यों क्योंकि हम लोगों ने उस समय ये इसको लैंडमार्क माना था अब हम लोग इस सिंगल को कंसिडर कर रहे हैं एक तरीके से समझ लीजिए तो यहां पर हो गई हमारी फ्रिंजिंग रीफ अब होगा क्या समय के साथ आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर वाटर है ओशियन वाटर और ये कंटिन्यूसली इसको इरोड करेगी इरोड करने के बाद जो इसका इरोज़न है वो सेडिमेंट नीचे डिपॉजिट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा और डिपॉजिट होते 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 यहाँ पर अपना खुद का एक लैंड मार्स बन जाएगा सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरीके से इरोजन होगी डिपॉजिशन होगी और अल्टीमेटली यहाँ पर एक लैंड मार्स बन जाएगा अब यहाँ पर देखिए हमारा जो वाटर बॉडी है दिस इज़ वन सेकेंड दिस इज़ आवर वाटर बॉडी और इस वाटर बॉडी से अब हमें तीन चीजें दिखाई देनी लगेंगी एक दिखाई दे रहा है हमें ये वाला लैंड मार्क्स दूसरा हमें दिखाई देगा ये वाला और ये वाला और ये आपको फ्रंट से आपको देखने को मिलेगा कि हाँ दो दो चीज़ें एक्चुअल में ये चारों ओर है ये इस तरीके से चारों ओर है ये समझ पा रहे हैं आप लोग चारों ओर कैसे है तो ये हमारी अंदर वाली लैंड हो गई और उसके चारों ओर में ये इस तरीके से डिपोजिशन हो गई क्योंकि देखिए डिपोजिशन यहाँ पर तो टू डी डेग्राम है इस वजह से आपको लग रहा है कि दो जगहों पर होगा लेकिन एक्चुअल में तो चारों डायरेक्शन में होगा ना तो जब चारों डायरेक्शन में चीज़ें डेवलप होंगी तो यहाँ पर हमें इस तरीके से रीफ मिल जाएगा जहाँ पर जहाँ पर ये वाटर बॉडी हो गई टॉप व्यू देख रहे हैं हम लोग ये पूरी वाटर बॉडी हो गई इसके अलावा अंदर भी आपका वाटर है क्यों देखिए ना ये वाटर तो है क्या है वाटर दिस इज अगेन वाटर सो ये बीच वाला पार्ट यहाँ पर हो गया ये वाला साइड वाला पार्ट यहाँ पर है ये वाला साइड पार्ट यहाँ पर है और ये पूरा चारों ओर में इस तरीके से दिखेगा दिस इज कॉल्ड एज ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम लोग बोलते हैं अंदर से फ्रिंजिंग रीफ अब ये बैरियर रीफ में कन्वर्ट हो गया है दिस इज बैरियर रीफ क्लियर अब क्या होगा अभी भी डिपोजिशन मतलब कि इरोजन तो कंटिन्यूसली चल ही रही है इरोजन तो चली रही है तो जब अब वाटर बॉडी जैसे ही अब इसको इस तरीके से पूरा चारों ओर में खत्म कर देगा खत्म कर देगा तो मतलब कि पूरी की पूरी जो ये अंदर वाली लैंड वाली बॉडी थी ये पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है अंदर चली गई है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा इस तरीके से खड़ा हो गया है अब क्या होगा अब आपको फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा कि अंदर का जो ये लैंडमार्क था पूरा गायब और केवल और केवल चारों ओर जो है एक फ्रिंज एक बैरियर रीफ का ही सरफेस बच गया है और इसके चारों ओर में भी पानी और अंदर भी पानी है ये पूरा भी अंदर वाटर आ गया क्योंकि भाई अंदर वाली चीज़ तो डूब गई और यहां पर भी पूरा का पूरा वाटर ही आ गया ये पूरा वाटर आ गया और बीच में ये हमारी जो है वो बैरियर रीफ जो अंदर वाली बैरियर रीफ थी ये बन गई है इस तरीके का जो सरफेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं अटॉल दीज आर कॉल्ड एज अटॉल और अंदर जो ये वाटर ट्रैप हो गया इसे हम लोग बोलते हैं लगून तो जो ट्रैप्ड वाटर इसीलिए बोलते हैं कि जो वाटर ट्रैप हो गया उसे हम लोग बोलते हैं लगून क्लियर हो गया क्या चीज़ है सो so, यहां पर हम लोगों ने बेसिकली जो चारों टर्म है फ्रिंजिंग रीफ देन बैरियर रीफ देन एटॉल और देन लगून इसके बारे में समझ लिया यहां पर ये यह जो पूरी की पूरी थ्योरी जो हम लोगों ने डिस्कस किया और जो डेवलपमेंट के बारे में बताया वो बताया गया है डार्विन के द्वारा इसीलिए इसका नाम है सब्सिडेंस थ्योरी बिकॉज द लैंड मॉस विच इज एट देंटर इज सबसाइडिंग ये कंटिन्यूसली सबसाइड कर रहा है और बाकी के जो इरोडेड एलिमेंट है वो साइड साइड से उभरते हुए आ रहे हैं वो जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं तो यहां पर बेसिकली यही कहा गया है कि थ्री टाइप ऑफ लगून एंड दे डेवलप इन थ्री एजेस इन द फॉर्मेट ऑफ ग्रोथ एंड एक्यूबुलेशन ऑफ कोरल वाइल देयर इज ग्रेजुअल सब्सिडेंस ऑफ लैंड क्लियर द दम्शन ऑफ स्लो सब्सिडेंस इज इंपॉर्टेंट अदरवाइज जो कोरल है वो इनकी जो पेस है वो डेवलप नहीं हो पाएगी और कोरल जो है वो अल्टीमेटली अल्तिम, डाई कर जाएंगे अब जो हमारे पास तीन चीज़ें हैं फ्रिंजिंग रीफ बेरियर रीफ एंड एट ऑल उसके बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पर फ्रिंजिंग रीफ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेंटर में होगा तो फ्रिंजिंग रीफ अलॉन्ग द शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी कि यही जो लैंडमार्स था इसके चारों ओर जो ये डेवलप हुई थी ठीक है तो हम लोगों ने सिंगल इस एलिमेंट को ले करके फिर कंसिडर किया था ठीक है तो ये वाली जो फ्रिंजिंग रीफ है अब ये टूटेगी और अल्टीमेटली यहाँ पर छोटे छोटे बेरियर्स बन जाएंगे इसके तो ये फ्रिंजिंग रीफ जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास में है ये ग्रो करेगी किस में बैरियर रीफ में यही वाली जो छोटे छोटे बन गए हैं बैरियर रीफ में एंड देन कन्वर्ट हो जाएगी एटोल में यानी कि ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और अल्टीमेटली चारों ओर केवल और केवल इस तरीके से अटॉल बन जाएगी एंड अटॉल द लाइव कोरल आर नियर द सर्फेस विच ग्रो एंड प्रोलिफरेट ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड कोरल अंडर हेअर्थ अंडर नीथ है दिस इज ए नीथी एच सब्सिडेंस गोज ऑन बट एट ए पेस वे कोरल कैन कीप अप विद सिंकिंग लैंड थिकनेस ऑफन कैन बी इन नॉर्मस और अल्टीमेटली विदर रिफ कम्पोज ऑफ डेड कोर ये डेवलप हो जाएगा अब अंदर जो चीजें आ गई है अंदर जो एक तरीके से ट्रैप्ड वॉटर है उसको हम लोग बोल रहे हैं लगून ये क्या है ये एक शेलो डेफ रिलेटिवली फ्लैट फ्लोर वर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डिपोजिशन एंड सीडिमेंट फ्रॉम द लैंड एंड ड्यू टू डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कोरल ऑन द सी वर्ड साइड विल ग्रो मोर वेयर एज द लैंडवर्ड साइड इट इज़ अनहेल्दी एंड डेड कोरल क्योंकि बीच में जो फ्रिंजिंग रीफ वाली कोरल है वो तो अभी केवल और केवल डिस्ट्रॉय तो पूरी नहीं हुई है ना नीचे तक गई है एंड उसके ऊपर में शैलो सर्फेस मिला है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है और उसी को हम लोगों ने लगून बोला है डिस्कशन ऑन लगून फॉर्मेशन इज नॉट सॉल्टी सॉल्ट फैक्ट्री अदरवाइज द सब्सिडेंस थ्यूरी कंटिन्यूज टू बी इलिवेंट ऑल दो नॉट ऑल द एरियाज दैट है एंड एट ऑल हैव एविडेंस ऑफ सब्सिडेंस हर जगह पर हमें इस तरीके से नहीं मिल पाता है क्लियर अब जरा देख लेते हैं कि आखिर में जो ये एविडेंसिस ऑफ सब्सिडेंस क्या है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बेसिस पर हम लोग बोल पा रहे हैं कि हाँ ये एविडेंस मतलब सब्सिडेंस uh, का एविडेंस है वॉट आर द ड्राइविंग फोर्सेज अब देखिए हम लोगों ने जियो सिंक्लाइन थ्यूरी के बारे में बात किया था जियो सिंक्लाइन थ्योरी और जियो सिंक्लाइन की थ्योरी मैंने बताया था हॉल एंड डाना के बारे में हॉल एंड डाना अगर आपको याद हो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होगा इस तरीके से एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्सेज एंड ऑल दैट यहाँ पर क्या होगा कि इरोजन होगी यहाँ पर जो एक्सटर्नल एजेंट्स है उसके कारण से इरोजन होगी इरोड होकर के धीरे धीरे ये डिपॉजिट जो है वो नीचे पहुँचते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा तो यहां पर कुछ इस तरीके का एलिमेंट आ गया था ये पूरा का पूरा एलिमेंट इरोड हो गया और यहां पर आकर के डिपॉजिट हो गया सिमिलरली यहां पर भी कोई इस तरीके से होगा जियो यहां पर भी ये एलिमेंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होगा और यहां पर आ करके डिपॉजिट होगा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ग्रेविटी फोर्स वॉट विल हैपन ये इस तरीके से है डेवलप कर लेंगे सेम वही चीज यहां पर भी यहां पर हुआ क्या यहां पर बेसिकली क्या हुआ यहां पर सब्सिडेंस ही तो हुआ सब्सिडेंस और यही इन्होंने भी बोला डार्विन ने भी बोला कि दिस काइंड ऑफ सब्सिडेंस इज एक्चुअली नॉट ओनली सीन इन ऑन द लैंड साइड बट इट इज ऑल्सो सीन इन द ओशन ऑल्सो एंड द सेम थिंग सेम रीजन सेम ड्राइविंग फोर्स एवरी थिंग इज सेम वही चीज यहां पर भी हमारे डार्विन साहब के द्वारा भी कहा गया था और उसी के बेसिस पे थ्यूरी आई थी, थी इन्होंने कहा कि एविडेंसिस आर मोस्टली फिजियोग्राफिक एविडेंस जो कि डेविस और हॉलेंड ने दिया था एरियाज विथ बेरियर अ टॉल हैव इेगुलर कोस्ट लाइन अभी हम लोगों ने देखा कि इनकी जो कोस्ट लाइन है वो इरेगुलर है क्योंकि डिपोजिशन के कारण से बनी है और साथ ही साथ में जो इंगेज कोस्ट लाइन है सच कोस्टलाइन आर एविडेंस ऑफ सब्सिडेंस कि सबसाइड हो रही है देन ओनली दे कैन रीअपियर और रीअपियर तभी होगी जब इस पर एक्स्ट्रा ग्रेविटी फोर्स एक्स्ट्रा डिपोजिशन और एक्स्ट्रा वेव कटिंग होगी वी आर

या तो हम लोगों ने ये जो इस तरीके से देखा था कि ये जो है वो क्लिफ़ है और वही डिस्ट्रॉय हो रही है मतलब ये इरोड हो रही है चारों ओर ओशियन फ्लोर से इरोड हो रही है और नीचे फिर डिपॉजिट होकर के नया इस तरीके से डेवलपमेंट कर लेगी नए कोरल का तो यहाँ पर यही बोलता है कि जो क्लिफ्स हैं जो कि पॉसिबली इन द एरिया दैट आर जियोलॉजिकली स्टेबल ताकि जो आगे वेव्स आ रही हैं वो फिर से इरोड ना करें और लंबे समय तक के लिए ये एक बनी रहेंगी जियोलॉजिकली अनस्टेबल एरियाज विथ सब्सिडेंस और अपलिफ्टमेंट विल हैव इनिबिटेड क्लिफिंग प्रोसेस इट वॉज ऑब्जर्व दैट एरियाज विथ रीफ पर्टिकुलरली बेरियर एंड अटॉल ये क्लिफिंग प्रोसेस के एपसेंस को दिखाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद बता रही है कि द थ्यूरी ऑफ द हॉल इंडाना इज यहाँ पर भी एप्लीकेबल रहेगी और वो तब रहेगी जब यहाँ पर स्टेबल जियोलॉजिकल लैंड मास रहेगा या फिर स्टेबल जियोलॉजिकल कोरल्स आप बोल सकते हैं कि यहां पर रहेगा तभी यह चीज पॉसिबल अदरवाइज बेरियर भी आगे जो होता है डिस्ट्रॉय हो सकती है वो नया सेकेंडरी बेरियर बना सकती है बट नहीं ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये स्टेबल एरिया में आती हैं क्लियर ड्रिफ्टिंग थ्रू द रीफ एट लोकेशन ऑफ अनकंफर्टेबल ए कॉन्टैक्ट देयर आर एविडेंस ऑफ एरियल एंड सब एरियल प्रोसेस द प्लेटफॉर्म ऑन विच कोरल एकट मस्ट है वॉटर लेवल टू अलाउ द एरियल इन एरियल प्रोसेस टू लीव दियर हिमप्रिंट्स की तो एक्सेप्ट, बट देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ बेरियर जहां पर हम इस तरीके की जो एविडेंसेज हैं, वो नहीं मिली कुछ इन स्टेबल एरिया में भी हमें बेरियर रिप्स वगैरह मिली एंड दैट इज वाई ये जो सब्सिडेंस की थ्योरी है वो अनएक्सेप्टेबल हो गई और इस अनएक्सेप्टेबल के बाद अल्टीमेटली हमारी नई थ्योरी आती है जो कि स्टैंड स्टिल की, की थ्योरी होती है स्टैंड स्टिल थ्योरी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई सब्सिडेंस वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि डिस्ट्रॉय हो रही है या कुछ चीज़ है नो दिस इज़ नॉट द थिंग जो भी चीज़ें होंगी वो परमानेंट होंगी और कोई भी सब्सिडेंस का चीज़ नहीं आएगा यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो स्टैंड रहेंगी खड़ी रहेंगी कोई भी डिस्ट्रॉय कोई भी डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन नहीं होगा मरे की जो थ्योरी थी इन्होंने देखी अपनी जो चीज़ें हैं जैसे इन्होंने भी तीन चीजों के बारे में बताया था तीन चीजों के बारे में क्या दिस इज द कंपोनेंट एक्चुअली तो यहाँ पर इन्होंने बताया फ्रिंजिंग रीफ फिर इन्होंने बताया बेरियर रीफ फिर उन्होंने बताया एटोल के बारे में इन्होंने कहा कि देखिए जो फ्रिंजिंग रीफ है एक्चुअल में ये स्टैंड स्टील के अंतर्गत शैलो सरफेस पे बनेगा तो शैलो सरफेस पे बनेगा दैट मीन्स कहाँ पे बनेगा ये बनेगा कॉन्टीनेंटल शेल्फ पे तो जितने भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के आसपास में जितने भी कोरल्स होंगे वो फ्रिंजिंग रीफ बनाएंगे जो बैरियर रीफ होंगे अगर हमारे पास कोई एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म है काफी बड़ा अगर कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो वहां पर हमें बनेगा जैसे जितने भी अंडर वाटर रीजेस होती हैं अंडर वाटर रिजेस और ये रिजेस क्यों बनेंगी ऑब्वियस बनेगी बात है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं तो जो अंडर वाटर रिजेस है वहां पर हमें बैरियर्स देखने को मिल जाएंगे अदरवाइज हमें नहीं मिलेंगे एट ऑल तीसरी चीज आती है इन्होंने कहा कि देखिए ये एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है दीज आर सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स और जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जो वाटर के अंडर पाए जाते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ गायोट्स तो जो गायोड्स के फॉर्मेट में पाए जाते हैं हमें सी सरफेस के अंदर में या फिर आप इसी को बोल सकते हैं सी माउंट के फॉर्मेट में जितने पाए जाते हैं तो वहाँ पर हमें एटॉल देखने को मिल जाएगा तो इनका कुल मिलाकर के कहना ये था कि देखिए सपोज दिस इज़ द लैंड और इस लैंड से हमें चीज़ें यहाँ पर ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ इस कॉन्टिनेटल शेल्फ में हमें जो है वो फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिल जाएगी फ्रिंजिंग रीफ और वही जब आगे बढ़ेंगे आप अगर कहीं पर भी रिजज वगैरह इस तरीके से ओशन में रिजेस पाई जाती हैं ना तो यहाँ पर जो चीज़ इकट्ठा होगी उसके कारण से हमें बैरियर रीफ़ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा आपका बैरियर रीफ़ और वहीं अगर आगे आएंगे तो हमारे पास सी माउंट वगैरह बन जाएंगे तो चारों ओर में खाली है ओनली एंड ओनली सी माउंट्स हैं अब सी माउंट जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं एक होता है फ्लैट फीचरलेस फ्लैट सरफेस होगी जिसे हम लोग गायोट्स बोलते हैं और दूसरी होगी जो नुकीली होगी रिज से छोटी लेकिन नुकीली उसको बोलेंगे हम लोग सी माउंट सी माउंटेन वाला सी माउंट और यहां पर जो इकट्ठा होगा जो यहां पर इकट्ठा होगा उसको हम लोग बोल देंगे कि ये अटॉल है तो ये चीज बोली गई थी हमारे मुरे साहब के द्वारा अब देख लेते हैं इनके बारे में फटाफट तो द तो टाइप ऑफ कोरल रीफ एंड द एक्सटेंट एंड शेप डिपेंड ऑन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जिस पर कोरल ग्रो कर रहे हैं जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ जो है वो शैलो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास में डेवलप होगा वहीं बेरियर रीफ जो होता है ये एक्सटेंसिव इलांगेटेड प्लेटफॉर्म लाइक अंडर वाटर रिजर्स यहाँ पर डेवलप होगा और जबकि अटॉल जो है वो सर्कुलर प्लेटफॉर्म जैसे कि गायोट सी माउंट या अंडर वाटर वुलकैनिक क्रिएटर यहाँ पर डेवलप होगा ऐसा बताया गया हमारे मरे साहब के द्वारा इन्होंने कहा कि देखिए अकॉर्डिंग टू मरे द सूटेबल प्लेटफॉर्म आर फॉर्म्ड ईदर बाई इरोजन दैट रिड्यूज द लैंड टू स्यूटेबल हाइट और ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पिलाजिक डिपॉजिट्स किसी भी तरीके से डिपॉजिशन होगी और उसके बेसिस पे ही यहाँ पर चीजें इकट्ठी होंगी और इकट्ठी होने के बाद फिर यहाँ पर इस तरीके का प्लेटफॉर्म बन जाएगा मरे थ्योरी ऑफ स्यूटेबल प्लेटफॉर्म इट इज नेटिव नेव एंड टू सिंपलिस्टिक एंड इन एनी केस इट कैन नॉट एक्सप्लेन द थिकनेस ऑफ रीफ लाइक इन एट एंड बेरियर रीफ विच में विल बी द स्यूटेबल डेफ्थ तो यहाँ पर ज्यादा कुछ पताने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि काइंड ऑफ रिपीटेड टर्म्स uh, आ रहे हैं अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं इन्होंने कहा कि देखिए इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफरेंशियल रेट ऑफ कोरल ग्रोथ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से जैसे वेजिटेशन ग्रो करती है वैसे यहां पर भी जो कोरल है वो अलग अलग तरीके से ग्रो करेंगी एंड बिकॉज ऑफ द इंटीरियर वाटर दे कैन डिजोल्व एंड हॉलो आउट डेड कोरल फॉर्मिंग लगून एंड प्रोसिपिटेशन ऑफ डिजोल्व सी ए सीओ थ्री दैट कैन फॉर्म द फ्लैट फ्लोर और इस तरीके से आगे ग्रो करती जाएंगी तो इन्होंने लगून के बारे में बोला कि जो फ्लो इन द लगून है ये इट इज इन द शैलो वाटर विदाउट एप्रिशिएट डिफरेंस बिटवीन वाटर डेफ्ट विद इन द लेगून्स और यहां पर ये चीज जो वाटर है जो ट्रैप्ड वाटर है एक्चुअल में डिजॉल्व और प्रिसिपिटेट होने के कारण से यहां पर बन रही है कि जो भी मान लेते हैं रिजेज है या जो भी चीज़ें हैं अंदर वो आ, हट गई इरोड हो गई ख़त्म हो गई अब वहाँ पर वाटर ट्रैप हो गया उसके बेसिस में यहाँ पर लगून बन जाएगी लेकिन देखिए इसकी थी थि, इनकी थ्योरी में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहली चीज़ ही फेल्ड टू एक्सप्लेन थिकनेस ऑफ बैरियर डीफ कि आखिर में ये इनकी जो थिकनेस होगी जितनी भी कह लीजिए मोटाई वगैरह है कितनी होगी ये मरे साहब ने नहीं बताया उन्होंने बस ये बताया कि यहाँ पर जो भी वेव कट प्लेटफॉर्म्स या फिर कह लीजिए कि जो सी माउंट या जो भी गाइड्स हैं या फिर जो भी चीज़ें आएंगी उस पर केवल डिपॉजिट हो जाएगा कितना होगा नो no आइडिया इसके बारे में नहीं पता दूसरी इन्होंने लगून के बारे में देखिए कुछ ढंग से नहीं बताया इन्होंने बस बोल दिया कि प्रेसिपिटेशन होगा डिजॉल्व होगा फिर लगून बन जाएगा बट कोई मैकेनिज्म नहीं बताया तो ये जो लगून का फॉर्मेशन है ही फेल्ड टू एक्सप्लेन ही एक्सप्लेनड लगून की ये डिफरेंट डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कोरल होगी और उसके कारण से डिपोजिशन से और उसके मतलब घुमा घुमा वाली बात की थी इन्होंने कोई भी ढंग से कोई भी एक्सप्लेशन ऐस नहीं दिया जिसके कारण से मरी की थ्यूरी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मरी की थ्योरी मतलब डारविन की थ्योरी को ऐसा चैलेंज नहीं करती है कि ये सही है या डारविन की थ्यूरी सही है अभी तक देखिए डारविन की थ्योरी में अपनी एक खुद की यू कैन से कि ड्राइविंग फोर्सेस वगैरह थी और उनको एक्सप्लेन करने वाले जो पुराने जियोमॉर्फोलॉजी के लोग थे उन्होंने भी साथ दिया था क्योंकि सीधी सी बात है हॉलेंड आना वगैरह के जो जियो सेंकलाइन थ्योरी थी उसको यूज करके इन्होंने चीज़ों को बताया था समवेयर इनकी जो थ्यूरी है डारविन की थ्यूरी वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल एज कम्पेयर टू द मरे थ्यूरी बट मरे ने भी कुछ पॉइंट तो अच्छे बताए थे जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ द फ्रिंजिंग रीफ या बैरियर रीफ और उनकी जो स्टेबिलिटी वगैरह है वो चीज़ें इन्होंने सही बताई लेकिन कुछ चीज़ों पे ये फेल हो गए थे जैसे 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 हम लोगों ने देखा है कि कितना आ, थिकनेस होगी बैरियर रीफ या टॉल की या फिर लगुन का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा ये सब चीज़ें ये नहीं बता पाए थे इसके बाद हमारी न्यू थ्योरी आती है जिनको बोलते हैं अगासीज थ्योरी अब देखिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस थ्योरी में ये भी स्टैंड स्टिल थ्योरी है ये भी डार्विन की थ्योरी के अगेंस्ट थे इन्होंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ कहा इन्होंने कहा कि द थ्योरी इज मोस्टली इन सपोर्ट ऑफ द इरोजन प्रोसेस जहां पर जैसा प्लेटफॉर्म होगा वैसे ही कोरल कॉलोनी वहां पर डेवलप होते जाएंगे और कोरल कॉलोनी के डेवलप होने के बाद वहां पर अपनी ये एक ग्रो करते जाएंगे अपनी संख्या को बढ़ाते जाएंगे और ऐसा हमें मालदीव और लक्षद्वीप के पास में देखने को मिलती है अब इन्होंने कोई ऐसा क्लासिफिकेशन या फिर इनके बारे में डिटेलिंग वगैरह नहीं बताई थी इन्होंने बस बोला कि दिस विल हैपन दिस कोई भी इसमें कैटेगराइजेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे दिस इज द थिंग फिर हमारे पास नई थ्योरी आती है गार्डिनर थ्योरी ये दोनों जो थ्योरी हैं गासीज़ की थ्योरी एंड गार्डिनर थ्योरी ज़्यादा कुछ खास नहीं है एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद इट केवल और केवल देख लेना है कि आपको नाम केवल लिख देना है इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है और इसके बारे में डिटेल हालांकि हम लोग डिस, डिस्कस भी करेंगे बट एडवांस जोग्राफी में करेंगे ताकि वो एक कम आपको बेसिकली मिल जाए हालांकि दीज आर नॉट इन योर सिलेबस एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू विद इट सरफेसियली सरफेस सरफेस से देख करके आप निकल सकते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी आती है गार्डिनर की थ्योरी। अब देखिए गार्डिनर की जो थ्योरी थी इन्होंने डेफ्थ के बेसिस पे बताया ओशियन डेफ्थ को लेकर के ओशियन डेफ्थ इन्होंने कहा देखिए ओशियन में क्या होती है अलग अलग हाइट होती है डेफ्थ होती है तो जब से जो सबसे डीपर वाटर होगी वहाँ पर हमारा कूल वाटर होगा दिस इज़ द डीपेस्ट थिंग डीपेस्ट और यहां पर कोल्ड वाटर होंगी इसके ऊपर में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट है दिस इज इंटरमीडिएट और इस इंटरमीडिएट में जो वाटर होगी ऑब्वियसली थोड़ा सा यू कैन से कि ठीक होगी ज़्यादा कुछ खास नहीं होगी बट यहाँ पर एक तरीके से मॉडरेट आप बोल सकते हैं दिस इज मॉडरेट और जो टॉप पे होगी उसको हम लोग बोल सकते हैं शैलो वाटर दिस इज शैलो वाटर और यहाँ पर ये यह कोरल के लिए बेस्ट प्लेस है दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर कोरल इसके अलावा इंटरमीडिएट में भी कोरल्स आ सकते हैं और वो डेवलपमेंट धीरे धीरे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हो रहा है तो गार्डनर की जो थ्योरी है इन्होंने लक्षद्वीप के कोरल को स्टडी किया था और उसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि द एट ऑल विच हैव कंसिडरेबल थिकनेस गार्डनर ने ऑब्जर्व किया दैट द कोरल दैट मेक अप द रीफ सिस्टम आर नॉट द सेम एट एवरी डेफ्थ हर जगह पर हर डेफ्त पर एक जैसे नहीं है ओशियन के जैसे ऐसे आप डिफ्ट में जाएंगे वैसे वैसे हमें जो है कोरल्स में किसी भी चाहे टॉल हो चाहे कोई भी हो उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इन्होंने कहा कि जो डीपर कोरल है वो डिफरेंट टाइप का होता है और वो जो कूलर डीपर वाटर है उसको एडॉप्ट कर चुका है एंड इट हैज़ इवॉल्व्ड इन दैट क्लाइमेट अपने हिसाब से उस चीज को बदल चुका है जैसे कि ये जो डीपेस्ट लेवल पे कोल्ड वाटर के बारे में हम लोगों ने देखा इसके ऊपर में एक इंटरमीडिएट लेवल आएगी और उस इंटरमीडिएट लेवल में बेसिकली ट्रांजिशनल लेयर्स होती हैं जहाँ पर कोरल अपनी एबिलिटी के बेसिस पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए फोर्टिक वाटर से भी फोर्टिक वाटर और इन दोनों के बीच में रह सकता है तो यहाँ पर जो हमें कोरल मिलते हैं वो कुछ अलग टाइप के मिलते हैं जैसे कि जो कोल्ड वाला था वो अलग था इंटरमीडिएट वाला अलग है इंटरप्रिटेशन इज अ फेयर पॉसिबिलिटी टू एक्सप्लेन द थिकनेस ऑफ एटॉल बट नॉट एटॉल हैव डीप कोरल इन्होंने लक्षद्वीप को देख करके यहाँ की स्टडी करके जनरलाइजेशन कर दिया और इसी के बेसिस पे ये कहा गया कि ये हर जगह पर एप्लीकेबल अप्लिक, नहीं है केवल और केवल वो यहाँ गार्डनर के लक्षदीप वाले एरिया में केवल और केवल दिख जा रही है बट हर जगह पर ऐसी चीजें नहीं है सो वी कैन नॉट जनरलाइज दिस थिंग अगेन डार्विन थ्योरी इज़ नॉट इफेक्टिवली काउंटर्ड हीयर तो इन्होंने भी कोशिश तो बहुत अच्छी की लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर भी ये फेल हो गए थे एक सिंगल एरिया को लेकर तो के इन्होंने चीज़ें बताई थी तो केवल और केवल अगेन यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद इट क्योंकि ये ट्रांजिशनल थ्योरीज हैं अल्टीमेटली हमारी जो थ्योरी आती है डेली की ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी ये चैलेंज करती है डार्विन की थ्योरी को क्योंकि यहाँ इन्होंने क्लाइमेटिक चेंज को लिया दिस इज द क्लाइमेटिक चेंज और इन्होंने भी जियोमार्फोलॉजी की ही हेल्प ली और जियोलॉजिकल टाइम स्केल की चेंज ली इन्होंने एक्सप्लेन किया था प्लीस्टोसीन आइसेज को और उस प्लीस्टोसिन आइसेज के बेसिस पे ही जो ग्लेशियल रिसीडिंग है उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था हालांकि इनकी भी थ्योरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं हंड्रेड ये यूनिवर्सल थ्योरी आप नहीं बोल सकते हैं लेकिन फिर भी इनकी थ्योरी में काफ़ी कुछ हमें एक बेटर देखने को मिलती है यहां पर इन्होंने अपनी थ्योरी में डेफ्थ के बारे में बात किया था ओशियन डेफ्थ इन्होंने कहा था कि थर्टी फैदम थर्टी फैदम आई गेस दिस इज एटी फीट इसके डीप में इसके नीचे अगर कोई चीज जाएंगे तो वी विल हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स और इसके ऊपर में हम आएंगे तो वी विल काउंटर डिफरेंट थिंग्स उसी के बेसिस पे इनकी थ्योरी ने ये कहा इन्होंने हवाइन आइलैंड को स्टडी किया था एंड द डेलीज आइडिया वाज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ कोरल रीफ हवाइन आइलैंड ही रिजर्न दैट इनहिबिटेड कोरल फॉर्मेशन ऑफ हवायन इट मे बी एसोसिएटेड विद प्लीस्टोसिन एज अब यहां पर देखिए क्या सीन हो रहा है प्लीस्टोसिन एज का मतलब ये है इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि ये लैंड है और ये ओशियन है ठीक है ये हमारा लैंड है यह ओशियन है अब जब प्लीस्टोसिन एज थी तो उस समय क्या हुआ था कि जो आइस है जो ग्लेशियल है वो लैंड तक काफी हद तक आकर के जम गई थी अब आपको पता है जब भी कोई ग्लेशियल वगैरह जमता है तो वो यू शेप्ड लैंडफॉर्म बनाता है यू शेप्ड लैंडफॉर्म अब इस यू शेप्ड लैंडफार्म का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा इरोजन हो जाएगा और इस इरोजन के कारण से जो भी सेडिमेंट्स वगैरह आएंगे वो अब आगे जा करके जमना शुरू हो जाएंगे और इस सेडिमेंट के कारण से अल्टीमेटली कोरल्स वगैरह का जन्म होगा और इस लैंडफॉर्म के बेसिस पे इस इरोजन के बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी को बताया था विद द अपकमिंग ऑफ प्लीस्टोसिन एज मोस्ट ऑफ द कोरल मस्ट हैव डाइड क्यों मरे क्यों होंगे इन्होंने ये कहा कि देखिए प्लीस्टोसिन एज में जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो काफ़ी लो चला गया कम हो गया जिसके कारण से जो इसेंशियल कंडीशन होती है कोरल के जन्मने की कोरल के डेवलपमेंट के लिए वो नहीं मिल पाई और अल्टीमेटली कोरल जो है वो डाई कर गई लेकिन इसमें से कुछ जो है वो सर्वाइव कर गई दैट परपेचुएटेड द स्पीसी Most reefs are post accumulation. अब यहां पर इन्होंने कहा विद ड्यू टू ए कॉन्टिनेंटल कंफाइनमेंट ऑफ वॉटर वॉटर द सी लेवल मस्ट हैराउंड थर्टी टू फिफ्टी फैदम इन्होंने अब इस डेफ्थ के बेसिस पे बोला कि अब जैसे ही वॉटर चला जाएगा रिसीड कर जाएगा तो जो पानी का सी का जो लेवल है वो काफी नीचे चला गया तो पानी का लेवल काफ़ी नीचे चले जाने के कारण जैसे मान लेते पानी का लेवल यहाँ कहीं था तो पानी का लेवल यहाँ कहीं चला गया जिसके कारण से अब ज़्यादा एक्स्ट्रा सरफेस हमारे एक्सपोज हो गए और यहाँ पर सेडिमेंट्स से वगैरह इकट्ठा होना शुरू हो गए सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे तो ग्लेशियल थ्योरी मतलब कि जब आइस एज चला जाएगा और फिर अल्टीमेटली वापस से जो सी का जो हाइट है वो जब लेवल होगा बराबर होगा ऊपर उठेगा तो एक एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म मिल जाएगी और इस एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म पर यहीं पर जो कोरल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे एंड ये एक शैलो वाटर के तरीके से ट्रीट करने लगेगा और इस शॉलर वाटर के बेसिस पे फिर अल्टीमेटली आगे जा करके बाकी जो चीज़ें हैं वो कोरल्स वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाएंगी एक आइडिया लगा क्या चीज़ है यहाँ पर सो दिस थ्योरी हैज़ यू कैन से कि अच्छी खासी इनके पास में अपना ड्राइविंग फोर्स था जैसे ये लैंडमार्कस था यहाँ पर इन्होंने यू शेप्ड वैली वगैरह बना लिया जैसे फ्यड्स वगैरह आप बोलते हैं फ्योर्ड्स ये डेवलप हो गए अब इसके डेवलप होने के बाद में आगे इसके डेवलप होने के बाद में जब वाटर रिसीड किया और वापस से सी लेवल जब राइज करेगा तो यहाँ पर अब डिपोजिशंस वगैरह जो इरोड हुए हैं वो डिपोजिशंस वगैरह इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होने के बाद में अब यहाँ पर देखिए जो एक तरीके से जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है नया डेवलप हो गया और यहाँ पर अब अच्छा खासा इसके पास एरिया आ गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोरल्स और यही इन्होंने आ, हमारी जो डेली साहब ने है इन्होंने बताया था इन्होंने कहा कि यही जो सी सी लेवल है वो थर्टी टू फिफ्टी फादम के नियर अबाउट में जो होता है वो चला जाएगा नीचे और अल्टीमेटली इट विल इरोड सम ऑफ़ द मरीन लैंड फॉर्म दैट हैव बीन एक्सपोज एंड दिस मस्ट हैव फॉर्म द प्लेटफॉर्म फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द कोरल टू ग्रो तो अब हमारे पास दो तरीके की कोरल आ गई एक कोरल आ गई जो नया बना है नया डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर द लेवलिंग ऑफ द सी फ्लोर अगेन दूसरी जो पुरानी प्लिस्टोसिनाइजेशन के दौरान में कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन कुछ सर्वाइव कर गई थी तो जो सर्वाइव कर गई थी और जो आज की डेट में बची हुई हैं, उन दोनों के बेसिस पे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोरल देखने को मिल जाएंगे विद द अपकमिंग ऑफ वार्मर टाइम वाटर फिर से राइज कर गया वही सी लेवल राइज कर गया और फिर अल्टीमेटली जो है कोरल मस्ट हैव द राइजिंग वाटर टू फॉर्म द रीफ ऑफ टूडे और इस तरीके से दिस एक्सप्लेन द थिकनेस ऑफ द रीफ इज कंपेरेबल टू द अमाउंट ऑफ वाटर लेवल राइज विच इज ट्रू बिकॉज मोस्ट ऑफ द रीफ आर थर्टी टू फिफ्टी फैदम थिक आज भी हमें मिलते हैं तो जो अभी तक का अनएक्सप्लेन पोर्शन था कि जो कोरल की थिकनेस कितनी है थर्टी टू फिफ्टी फायदे ही क्यों है इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि दिस इज बिकॉज ऑफ द रिसीडिंग ऑफ द वाटर एंड अपकमिंग ऑफ द प्लीज सीन आइस एज और इवन हर बार ये होते रहता है और उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ होगी फिर से जब कोई चीज़ डेवलप होगी या फिर फिर से वाटर नया आएगा वार्मिंग स्टार्ट होगी तो अल्टीमेटली नया जब इन्वायरमेंट मिलेगा तो कोरल जो है अपने आप को तेजी से डेवलप कर लेंगे एंड दिस विल अल्टीमेटली काउंटर द इनर कोरल मस्ट हैव ग्रेजुअली वी कैंड टू फॉर्म द अकॉर्डन फ्लोर ऑफ द लगून तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ब्रिंजिंग फ्रिंजिंग बेरियर और टॉल ये सब चीज़ें डेवलप हो जाएंगी द थ्योरी इज बेस्ट टू एक्सप्लेन द शेलो दैट शेलो ओशियन फ्लोर एंड अकॉर्डन फ्लोर ऑफ द लगून तो अब ये जो ग्लेशियर थ्योरी है डेली की ये कहीं ना कहीं चैलेंज कर दी थी हमारे जो डार्विन साहब ने थ्योरी दी थी उसको लेकर के तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बट इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है पहली प्रॉब्लम तो यही है कि आखिर में जो ये थर्टी टू फिफ्टी फैदम की जो डेप्थ है क्यों यही नंबर लिया गया तो ये जो नंबर है जो कि केवल और केवल बता दिया गया था जस्ट बाय द ऑब्जर्वेशन इसकी कोई थ्योरी इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है सो दिस थ्योरी इज़ द यू कैन से मोस्ट वैलिड बट स्टिल इट इज नॉट फुल प्रूव थ्यूरी फुल्ली एक्सप्लेनड थ्यूरी ये नहीं है सो दिस थ्योरी विद द फिजियोग्राफिक एविडेंस गिवन बाय द डेविस एंड डाना अगेन जो डारविन ने दिया था उसके बीस स्पेस को चैलेंज किया गया था क्लियर हो गया क्या चीज़ है सो वी हैव सीन एवरीथिंग अबाउट द कोरल रीफ्स जो भी इसकी थ्यूरीज हैं थोड़ी सी uh, थ्यूरीज जो हैं वो Uh, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर जरूरी रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रही हैं और कई बार आपको पढ़ने पे इलॉजिकल भी लगेगा बट दिस इज लॉजिकल बिकॉज इट हैज़ एक्सप्लेन सम ऑफ द क्वेश्चन ऑल्दो इट हैज़ रेज्ड सम ऑफ द क्वेश्चन तो दोनों ही बातें हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी करती कुछ क्वेश्चन को रेज भी कर देती हैं सो दैट इज़ द थिंग बट आपको अल्टीमेटली चीज़ें पढ़नी हैं एंड क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं आपके जैसे आपको सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा डेली की थ्योरी के बारे में बताइए या फिर अगासीज की थ्योरी बताइए गार्डनर की थ्योरी बताइए या फिर डार्विन की थ्योरी के बारे में बताइए तो मेनली दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है वन इज द डेली की थ्योरी सेकंड इज द डार्विन की थ्योरी बाकी बीच में जो थ्योरीज आ रही हैं दे आर जस्ट इंटरमीडिएट थ्योरीज जैसे मरे की थ्योरी या फिर जितनी भी थ्योरी है क्लियर हो गया ओके दिस इज गोइंग टू लॉन्गर सो वी आर स्टॉपिंग इट हियर एंड um, बाकी जो टॉपिक्स हमारे हैं हीट बजट के बारे में एंड uh, सॉल्ट बजट के बारे में एंड द लॉ ऑफ सीज वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं सो so, अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन जस्ट रीचेज बाई यूजिंग द मेथड्स और बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच